शांति कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तह दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों आजकल हम सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं अपने दोस्तों से मिलना संबंधियों से मिलना या फिर किसी सहकारियों से मिलना ये हम ज्यादा पसंद करते हैं ना अगर कोई रोज मिलने वाला संबंधी एक दिन भी ना मिल जाए तो हम कितने उदास कितने परेशान हो जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी स्वयं से मिलन किया है खुद से मिलन किया है मिले हैं कभी खुद से नहीं तो आज मिलेंगे क्योंकि आज की हमारी कविता जो है उसका शीर्षक है आज मिलन स्वयं से करें और वो लिखी है कवयत्री सीता गुप्ता जी ने सीता जी नमस्ते नमस्कार आप आपका फिर से स्वागत कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आपने ये जो कविता लिखी है इतना इसका शीर्षक ही इतना प्यारा है कि आज मिलन स्वयं से करो तो भला स्वयं से कोई कैसा मिलन कर सकता है <laughs> क्योंकि हम सबको जानते जानते हैं अपने आप को नहीं जानते जी जी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से प्रश्न किया था कि इतनी सहन शक्ति नहीं है इतना साहस नहीं है इतनी शक्ति हम कैसे जुटाएं जी जी तो शक्तियां तो अंदर भगवान ने भर के भेजी हैं वो बस तो मैं झांक कर देखू तब तो मिलेंगी जी कई बार क्या होता है हमारे खजाने में बहुत कुछ रखा होता है जी लेकिन हम कभी उसको देखते ही नहीं है जी हाँ जी। संतुष्ट रहते हैं बस मेरे पास ये ये चीजें रखी हुई हैं फिर क्या होता है थोड़े दिन बाद ऊपर ऊपर की चीजें यूज करते रहते हैं नीचे की भूल जाते रखे रहते हैं बिल्कुल सही है इसीलिए मैंने लिखा की सबसे मिलते रहे आज स्वयं से मिलिए क्या बात है हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है बराबर <laughs> तो फिर सबसे कैसे मिले तो समय निकालना पड़ेगा ना जी अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत खड़ी रहेगी ना अगर मैंने अपने को ही मजबूत नहीं बनाया तो संबंध कैसे मजबूत होंगे बिल्कुल सही मेरे का। कार्य में सुचारूपन कैसे आएगा मेरी सफलता मेरे पास कैसे आएगी <laughs> इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने से मिलिए अपने खजाने में क्या क्या रखा है उसको खोजिए और जब मिल जाए तो जहाँ जिसकी जरूरत हो वहाँ पूरा करिए क्या बात है क्या बात है, <laughs> क्या बात है? बहुत खूब कहा तो मैं भी बड़ी खुश हूँ आज मुझे स्वयं से मिलना है आपने इसमें कहा है अंतर में झाकिए कैसी दिख रही है झाकी अंतर में झाकिए कैसी दिख रही है झाकी स्वयं को आकीये बहुत उल्लास है बाकी आओ स्वयं से मिले आओ स्वयं से मिले रोज सबसे मिलते हैं कितनी कलिया कितने काटे दिलों में पलते हैं सुख में हंसते मुस्कुराते सुख से हंसते मुस्कुराते सुख में हंसते मुस्कुराते दुख में सिमटते रहे कभी मुस्कुराहट यूँ ही दिखाते कभी मुस्कुराहट यूँ ही दिखाते कभी अश्रु बन पिघलते रहे कभी अश्रु बन पिघलते रहे बहुत खूब कहा है ये अंतर में झांकना और दिल की झांकी ये क्या है कैसी दिख रही है झांकी ये पहली ही पंक्ति है इस पे ऊपर मैं अड़ी रही कि ये अंतर में झांकना और अंतर की झांकी को देखना ये क्या होता है भला स्वयं को देखना मतलब मेरे अंदर अभी दो दो मिनट मैंने कहा था पहले दर्शकों मेरे अंदर कितनी कितनी ऊर्जा है अच्छा मेरे अंदर कौन सी कलाएं छिपी हुई हैं अच्छा मेरे अंदर कौन से गीत छिपे हुए हैं बचपन से अब तक जो देखा जो सुना उसको हमने कितना कितना अंदर लिया है तो अगर मैं स्वयं से मिलूंगी किसी दिन आप अपनी अलमारी खोलकर देखते हैं तो आपको मिलता है ना अरे ये वाली चीज तो मुझे याद ही नहीं थी बड़े सालों से अंदर रखी थी ऐसे तो ही मेरे मन के खजाने में भी बड़े सारे मोती रखे हुए हैं कई कविताओं के मोती रखे हैं कई गजलों के मोती रखे हैं तो उनको जरा ढूंढिए ना थोड़ा समय अपने लिए इसलिए मैं कहती हूँ कि सुबह का आधा घंटा अपने लिए रखिए अच्छा देखिए हम सुबह कैसे शुरू करते हैं एक हाथ में चाय का कप एक हाथ में अखबार <laughs> या तो सामने टीवी में न्यूज चल रही होती है जी, आजकल हम भी देखते रहते हैं, वो भी है <laughs> तो टीवी में न्यूज में क्या आएगा ये बस गिर गई ये पुल ठीक से नहीं बना था इतने व्यक्तियों का वो हो गया जी जी तो इस नेता ने ये गलती कर दी इस ऑफिसर ने ये घोटाला कर दिया इस स्कूल में ये पढ़ाई अच्छी नहीं होती ये खबरें सनसनी बनाकर पहले पेज पर रखी जाती है जिससे अखबार की बिक्री अच्छी हो अब मैंने मन के अंदर क्या डाला एक हाथ में गरम चाय और दूसरे हाथ में अखबार गरम चाय गरम विचार अंदर क्या गया दोनों गरम <laughs> साथ में थोड़ा क्रोध जिन्होंने गलत किया उनके प्रति थोड़ी ईर्ष्या जिन्होंने अचानक ही धन पा लिया उनके प्रति थोड़ी जलन तो अंदर क्या डाला आप सब तो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं तो जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा थी, थी. फिर हम कहते हैं कि बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आता है हम कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं हम जल्दी थक क्यों जाते हैं हुं, हुं। सही तो जब मन को शीतलता दी ही नहीं तो शुद्ध विचार ठंडे विचार कहाँ से पाएंगे लेकिन मन को सुबह सुबह क्या करिए प्रार्थना से दिन शुरू कीजिए मेडिटेशन से दिन शुरू कीजिए अखबार को थोड़ी देर हटा दीजिए क्योंकि अखबार में ऐसा नहीं अच्छी खबरें नहीं होती है उसमें सत्संग की खबरें भी होती हैं, उसमें जहाँ कहीं कुछ अच्छा हुआ है लेकिन वो जाके थर्ड पेज पे सिक्स पेज पे तब होती है तब तक तो आप ऑफिस जाने के चक्कर में अखबार को किनारे रख देते हैं और उठ के चल देते भी नहीं पड़ती बराबर लेकिन अखबार तो फिर पढ़े या ना पढ़े, पढ़े ये खबरें क्योंकि आजकल का जमाना भी ऐसा हुआ है कि हमको सब चीजों चीजें जो हो रही है दुनिया में उन उसका ज्ञान भी तो होना चाहिए तो फिर अखबार में से ये सब आपने जैसे खबरें कही कुछ खबरें बुरी भी होती है अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर उसका ज्ञान रखे या ना रखे रखिए अवश्य रखिए ना लेकिन जितना मेरे को जरूरत भर हो उतना रखिए अच्छा और दूसरा सुबह तो पहले मन को शीतलता दीजिए आपकी नींव अच्छी हो गई तो फिर दिन भर अच्छा जाएगा ना दिन में जब सुविधा हो तब पढ़ लीजिए अच्छा अच्छा ओके ओके जैसा मैंने पहले कहा कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट आएगा ना जी जी तो जब हमने सुबह सुबह अपने मन को शीतलता दे दी तो फिर कोई गर्म विचार आ भी गया किसी का गलत व्यवहार आ गया तो मेरी सहन शक्ति उसको सह लेगी ना <laughs> सही लेकिन जब मैं समाचारों को पढ़कर सुबह ही टूट गया कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ तो पहले ही हिलती चीज के ऊपर आप दूसरी चीज रखोगे तो टिकेगी क्या अच्छा बराबर कहा लेकिन आपने मन को शीतलता देने की बात की तो ये मन को शीतलता कैसे दे या फिर सुबह किसके बारे में सोचे या क्या करे सुबह सुबह की शुरुआत हमारे दिन की हम कैसे करें मैंने तो बताया आप प्रार्थना से कीजिए मेडिटेशन से कीजिए लेकिन कैसा होता है आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं होता आपने ज़रूर कहा प्रार्थना से कीजिए मेडिटेशन लोगों के पास इतना समय नहीं होता फास्ट लाइफ होता है जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए भागना होता है या फिर स्कूल कॉलेज के लिए इतना समय नहीं होता तो हम दिन की शुरुआत करने के लिए कुछ छोटा खाद्य मन को दे सकते हैं दे सकते हैं ना अपने मोबाइल में आप अच्छे वाले विचार भर लीजिए रोज़ ली ली अच्छा, अच्छा। एक सुन लीजिए पढ़ लीजिए अच्छा ली अपने विचार लिखे हों <laughs> जब आप टेबल के सामने बैठेंगे तो वो आंखों के सामने आएंगे आंखों से जो चीज जुझ अंदर जाती है वो अच्छी तरह अंदर चली जाती है क्या बात है तो उस पर विचार करिए ऑफिस में जब काम करते हैं हर दो घंटे बाद उठिए थोड़ा टहलिए क्या बात है क्या बात है समय कुछ अच्छा विचार मन के अंदर डाल लीजिए क्या बात है समय तो निकालने से निकलता है आपने बहुत अच्छी आइडियाज भी दी आपने इस छंद में जैसे कलियों के बारे में कहा है वैसे कांटों के बारे में भी कहा है तो स्वयं से मिलन करने से ये कांटे हमें रोकते हैं रोकते हैं ना देखिए मैंने क्या कहा कितनी कलियां कितने कांटे दिलों में पलते रहे सुख में हंसते मुस्कुराते दुख में अंदर सिमटते रहे कभी मुस्कुराहट यूं ही दिखाते कभी अश्रु बन पिघलते रहे कितने कांटे कितने कलियां? कलियां क्या स्पर्श में भी सुख देती हैं आँखों को भी सुख देती हैं तो जो अच्छे विचार है किसी का अच्छा विचार है वही कलियाँ हैं और किसी ने कड़वा बोल दिया या आपके बॉस ने आपके साथ अच्छा कार्य करने के बाद भी आपकी प्रेज नहीं की या आपको डांट दिया या किसी और कारण से उसका गुस्सा आपके ऊपर उतार दिया तो ये कांटा चुभा ना बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो कांटे को हटाना है और कलियों को लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कांटों को भुला देना पड़ेगा बॉस को बदल सकते हैं अपने कोलिग्स को बदल सकते हैं अपने सहयोगियों को व्यवहार को बदल सकते हैं मेरा कंट्रोल केवल मेरे ऊपर है सबके ऊपर नहीं है जी, जी, तो मैं वो कर सकती हूँ कि जो भी उन्होंने दिया मेरी इच्छा है मैं लू की ना लू उस समय मैंने ले लिया उसके बाद मन की उसको डायरी से हटा दीजिए क्या बात है खूब कहा खूब कहा और आगे आपने लिखा है अब मन मंदिर को झाड़ कर बहराइए अब मन मंदिर को झाड़ कर बुहारिए अच्छाई को बढ़ाकर कमियों को सुधारिए दिमाग की सुनते रहे अब दिल की सुनिए दिमाग की की सुनते रहे अब दिल सुनिए कडवे कांटों को फेंकिए खिलती कलियों को चुनिए टूटे रिश्ते जोड़ने हैं तो प्रेम के धागे बुनिए टूटे रिश्ते जोड़ने हैं तो प्रेम के धागे बुनिए सदगुण अनमोल खजाने हैं उनसे शिक्षा है। क्या बात है क्या बात है ये मन मंदिर को मतलब मतलब क्या बुहारना मतलब साफ करना अच्छा अच्छा झाड़ू सब सुना है ना दर्शकों उसी को बुहारी भी कहा जाता है हाँ। मन मंदिर को गाफिला रोज बुहारा कीजिए हाँ ये बात तो आपने सुनी होगी ना दर्शकों तो मन को झाड़िए रोज अच्छा मन के अंदर मैल जमा होता रहेगा मेल कहां से आया जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इसने ये कहा कहा इसने उसने वो कहा उसने वो किया वही तो मैल किसी व्यक्ति ने आज आपके साथ कटुब कटुता बरती दस दिन बाद अगर वो मिला हो सकता है आज वो अच्छे मूड में हो, हो सकता है आज वो आपसे क्षमा मांगने आया हो या हो सकता है कि वो आपसे मित्रता करने आया हो लेकिन हम दूर से उसको देख कर ही अपना विचार बना लेते हैं उस दिन मेरे साथ इसने इतना खराब किया था आज और पता नहीं क्या करने वाला है तो मैंने उस दिन का कांटा अपने पास अभी तक क्यों रखा हुआ है? इसीलिए गीता में कहा गया है आत्मा अपना शत्रु आप है अपना मित्र आप जी, जी। क्योंकि हो सकता है वो बंदा तो उस बात को भूल भी गया हो और आपने दिन भर में उसको दस बार याद किया मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया था मैंने इतनी अच्छी बात बताई थी मेरी बात नहीं मानी या मैंने इनके साथ हमेशा अच्छा किया और आज मेरे को जरूरत पड़ी तो ये मेरे साथ खड़े ही नहीं है ये भी तो हो सकता है व्यक्ति के पास उस दिन समय ना हो उसकी इच्छा ना हो ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि हमेशा उसकी इच्छा नहीं है कई बार उसके स्थिति को तो नहीं जानती हूँ ना क्या बात है तो फिर मैं पहले पूछू तो कारण क्या है तो दूर से वो आया है व्यक्ति तो हम उसी तो इसीलिए मैंने कहा अगर बुहार देंगे अगर फेंक देंगे उस कांटे को तो आज उसको देखकर मुझे अभी तो वो बोला भी नहीं है हम पहले ही घृणा ले आते हैं मन के अंदर तो फिर कैसा हमारा व्यवहार होगा जब पहले ही कटुता मन के अंदर आ गई उस दिन के व्यवहार से तो आज हमारा व्यवहार पहले ही कड़वा हो जाएगा फिर वो कुछ अच्छा भी कहना चाहेगा तो हमारे अंदर जाएगा ही नहीं जी बिल्कुल बराबर कहा इसीलिए मैंने कहा दिल की सुनिए दिमाग की नहीं जी लेकिन माफी माफी चाहती हूं, माफी चाहती हूं। लेकिन ये हम दिल की सुने कैसे हम हमेशा दिमाग की सुनते हैं कैसे जब हम शांत होते हैं तो दिल की आवाज हम तक पहुँचती है अच्छा। दिल की आवाज हमारे तक हमेशा पहुँचती है जी, लेकिन हमने उसको सुनने की आदत छोड़ दी अच्छा इसीलिए मैंने प्रथम पंक्ति में ही कहा है सबसे मिलन करते रहे आज स्वयं से मिलिए कितने कांटे हैं कितने कलिया है चुनिये कहा ना इसीलिए जी, जी. इसलिए भगवान ने दिल को कहा रखा है शरीर के केंद्र में बिल्कुल बिल्कुल और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी होती है पूरा देश <laughs> वैसा ही तो चलता है जी 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 बिल्कुल तो अगर मैं दिल की सुनती हूँ <laughs> दिल हमेशा सच्ची बात कहेगा ना अच्छा अच्छा दिल से मतलब वो इंस्ट्रूमेंट नहीं जो दिल धड़कता है और सारे शरीर को रक्त देता है बिल्कुल यह बिल्कुल। दिल से मेरा मतलब भावनाओं से है हाँ। विचारों से है लेकिन भावनाएं विचार कभी कभी गलत रास्ते पे भी लेके जाते हैं तो उसके बारे में में आप क्या सोचोगी जैसे मेडिटेशन हमको बताया जाता है कि कोई भी संकल्प मन करता है फिर बुद्धि निर्णय लेती है हाँ हाँ आत्मा की तीन शक्तियां बताई जाती हैं हाँ कि मन बुद्धि संस्कार जी। मन कोई भी विचार करता है फिर बुद्धि निर्णय लेती है जी अगर बुद्धि ने सही निर्णय लिया हाँ। और मन उस पर चल पड़ा हाँ। तो हमारा संस्कार बनता जाएगा अच्छा वाला जी लेकिन अगर हमने बुद्धि को दबा के फिर मन को उबार दिया इसलिए कहा जाता है मन की चाकर मत बनिए मन को चाकर बनाइए वाह वा, वा। तो फिर इसलिए मन को चाक कर कैसे बनाए लेकिन ये मन तो मालक होने की ही कोशिश करते रहता है हमेशा <laughs> कोशिश करने से क्या होता है जो बहादुर होगा वो जीत जाएगा लेकिन हम तो उतने बहादुर नहीं है अब तक सब उतने ही बहादुर हैं हाँ इसीलिए मैंने कहा स्वयं से मिली बहुत शक्ति है आपके पास अच्छा अच्छा लेकिन बस खोजने की बात है अच्छा मैं रोज कहती हूँ कि प्रभु हरेक मानव को हर एक जीव को बहुत सारी शक्तियाँ देकर भेजता है जी आजकल ऐसा हुआ है लोगों के पास उतना समय नहीं है कि वो ऐसा खोजते रहे खोजते रहे <laughs> समय की संरचना तो मैंने अभी आपको बताई ना हाँ हाँ वो तो है वो तो है समय की रचना आपने बताई लेकिन ऐसे हम किसी आसान तरीके से ऐसे मन को नहीं खोज सकते हैं दिल को नहीं खोज सकते विचारों को नहीं खोज सकते हैं सारे साइंसदान हमारे कब खोज करते हैं नीचे जाके जाके एकदम, एकदम, शांति में एक दम, ची, ची, बराबर। और उसी को वो लोग कहते हैं कि हम कहाँ खोज करते हैं दर्शकों सारे साइंसदान मेरे नीचे जाके खोज करते हैं किसी गुफा में चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर कोई प्रकार का शोर ना हो कोई लोग ना हो एकांत एक में शांति पूर्वक तब बड़ी से बड़ी खोजे होती जी तो मन को भी थोड़ी देर एकांत दीजिए ना दुनिया की भागदौड़ से थोड़ी देर दूरदर्शन को किनारे करिए मोबाइल को कहीं रख दीजिए अखबार को भूल जाइए एक दिन देखिए ना मन कितना शांत है मन तो झील की तरह शांत है फिर उसमें आपको अपना चेहरा भी दिखाई दे जाएगा क्या बात है और ये मन को खोज कर धारण करने हैं ऐसा आपने कहा तो ये सद्गुणों को कैसे धारण करें यहाँ पे आपने कहा है सद्गुण अनमोल खजा सद्गुण अनमोल खजाने हैं उनसे शिक्षाएं गुनिए तो सद्गुणों को कैसे धारण करें क्योंकि आजकल जब कल, आपके मन को चुनना आ जाएगा ना वो तो स्वयं ही हीरे मोती उठाएगा आजकल ऐसे हो गया है कि संगति ऐसे लोगों को मिलती है जितने दुर्गुण हैं उतने ही आ जाते हैं तो क्या करें संगति का क्या करें और अपने सद्गुणों को बरकरार कैसे रखें उनको बढ़ाए कैसे संगति तो आपको स्वतः चुननी पड़ेगी ना जी वो तो है तो समझने की भी बुद्धि तारे है। कुसंग बो रही है तो आपने सुना होगा बहुत हा, हा। तो कुसंग हमें डुबो देता है संग हमें तार देता है क्या मतलब अच्छा संग होगा तो हम ऊपर चले जाएंगे खराब संगो का तो वो हमको खुद भी नीचे खींच लेगा आजकल इतनी बुद्धि भी नहीं रही सद्बुद्धि जिसे हम कहते हैं कि कोई संग अच्छा है या बुरा है उसे समझने की तभी तो, तो मैंने कहा सद्गुण बटोरी है हाँ सदगुणों को बढ़ाने के लिए मैं संगति की बात कर रही थी तो उसके लिए तो मैंने थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था हम शिक्षा की बात कर रहे थे ना जी, जी। अच्छी शिक्षा हमको अच्छे संस्कार देगी हम्म तो सद्गुण अपने आप आ जाएंगे वो तो है वो तो है और अच्छाई को हमें खींच के लाना पड़ता है धारण भी तो करने पड़ते हैं अच्छाई को हमें हमेशा खींच कर लाना पड़ता अच्छा। है बुराई स्वतः आ जाती है सो तो है सो तो है तो अच्छाई को मुझे खींच के लाना पड़ेगा और जो चीज आप मेहनत से लाते हैं, उसकी आप कदर भी करते है जो तो स्वतः मिल जाती है उसकी कदर नहीं करता है फिर कोई बराबर है वो जो आपने कहा ना कठिन है तो कठिनता से जो मिलेगा ना उसको आप संभाल के रखेंगे जी वो तो है बहुत बहुत ही सही है बहुत सही है। तो जो सदगुण आप थोड़ी कष्ट पूर्वक धारण करेंगे ना वो आपके पास देर तक चलेगा सही है सही है आगे भी आपने बहुत खूब कहा है मन के कोमल अंगना में स्नेह सुमन महकाओ क्या बात है मन के कोमल अंगना में स्नेह सुमन महकाओ दुखती प्यासी आकुलता में प्रेम का जल बरसाओ सबकी मंगल कामना में सबके लिए शुभ भावना में नई आशा की स्वर्णिम किरणें अंतर को सुंदर कर देगी भगवान की मीठी मूली भगवान की मीठी मुरली ऐसी अमृत बूंदों से भर देगी सारी सृष्टि सारी मानवता प्रेम शांति के डगर देगी क्या बात है क्या बात है मन के कोमल अंगना में तुम स्नेह सुमन मुस्काओ दुखती प्यासी प्या में प्रेम कजल बरसाओ सबकी मंगल कामना हो सबके लिए शुभ भावना हो आशा की स्वर्णिम किरणें अंतर को सुंदर कर देंगी सारी सृष्टि सारी मानवता प्रेम शांति की डगर देगी बाबा की मीठी मुरली ऐसी अमृत बूंदों से भर देगी मुरली की धुन क्यों मीठी लगती है कृष्ण के मुख पर हमने बांसुरी रखी है जी हाँ जी हाँ क्यों इतने सारे तो वाद्य थे वो लकड़ी की बनी है ना तो सितार भी लकड़ी का बना है अच्छा भी, भी लकड़ी का बना है लेकिन ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान में जो वन में आम सा लाकूड़ था उसे उठाया और अपने मुख पे रखा और मतलब किसी आम जिंदगी को बहुत बड़ा बहुत ऊंचा करना ये बात है और उसने मुख पे रखा तो इतने मधुर स्वर उसमें से आए मुरली की तीन विशेषताएं हैं जी बांसुरी की तीन विशेषताएं हैं हाँ। बांसुरी में कहीं भी गांठ नहीं है जी जी बिल्कुल तो मैं मन में गांठे ना रखूं क्या बात इसका प्रभाव यह है कि मन में गांठ होगी बांसुरी में कहीं भी गांठ नहीं है इसलिए जब कृष्ण उसको बजाते हैं तो सीधा मीठा सुर निकलता है जी बिल्कुल गां होंगी तो बीच में रोक लेंगी ना तो मन में से कड़बाहट की गांठें हटा दीजिए मुरली का दूसरा संदेश है जब उसमें फूंक मारो तब बजती है अपने आप नहीं बचती बिल्कुल ही बिल्कुल ही तो मुझे भी जब जरूरत हो तब मैं बोलूं व्यर्थ में अपनी वाणी को विराम करके रखूं वहां ना बोलो अपनी ऊर्जा भी खर्च करूंगी और दूसरे के कानों को भी कष्ट दूंगी और मुरली सीधी है ऊपर हाँ। से नीचे तक एक उसमें जी जी बिल्कुल सही और भी एक विशेषता है कि जब कृष्ण बजाता है यानी भगवान बजाता है तब वो बजती है वो अपने मत से नहीं चलती है वो भगवान के मत से चलती है ये भी तो विशेषता है ऐसा तो वही व... तो हमने पिछले उसमें कहा था श्री बिल्कुल मत पर चलेंगे तो श्रीफल पाएंगे हाँ मनमत पे नहीं चलना है मुझे ऐसा लगता है उस मीठी मुरली की तरह ये जिंदगी भी एक बाँसुरी है ये जिंदगी भी बाँसुरी है उसे गले लगाना आना चाहिए अपने ही सांस अपने ही होट अपने ही श्वास अपने ही ओठ सुर में लगाने आना चाहिए तो जिंदगी बहुत मधुर बहुत ही सुनहरी हो जाएंगी जाएगी जैसा आपने इस कविता में कहा है नई आशा की स्वर्णिम किरणों किरणों को अप हमको अंदर भरना है तो कैसे भरें अगर मेरे को धूप चाहिए तो सूरज के सामने जाना पड़ेगा ना बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने भी यही कहा है नहीं आशा की अंतर को सुंदर कर देंगी सारी सृष्टि सारी मानवता प्रेम शांति की डगर देगी डगर माने रास्ता हम्म तो जब मैं सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करूंगी तो जो मैं दूंगी वही तो आएगा साइंस क्या कहता है कि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है सागर ने जल दिया बादल बना बादल से फिर सागर के पास आ गया क्या बात है? क्या बात बात है? है? पानी पानी से बर्फ बनी, फिर पानी बन गया। कितना सुंदर। तो ऐसे ही मेरे जीवन से जब किसी को अच्छे विचार जाएंगे, अच्छी शुभ जाएंगी तो उनसे भी मुझे वही मिलेगा हम जो देते हैं उसी का प्रतिदान हमारे पास आता है जैसे धरती एक बीज के हजार गुना करती है और फिर हमें देती है ऐसे हमारी अच्छाई का फल भी कई गुना होकर हमको मिलेगा इसलिए कहते बंदे सुधर जा जो तू देगा कल तेरे पास वही आने वाला है वाह वाह इसीलिए मैंने लिखा सारी सृष्टि सारी मानवता प्रेम शांति की डगर देगी हम तो वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं ना तो सारी सृष्टि मेरा घर जी और प्रत्येक प्राणी मेरा मित्र बिल्कुल तो सही। मित्र की भावना जब आ जाएगी ना तो सबके प्रति वैसे ही मन में प्रेम जागृत हो जाएगा जी जी सही। हो सकता है किसी के लिए कम हो ज्यादा हो आप जितना दे सके उतना तो दीजिए जरूरी नहीं है ना कि सब सोना ही दान करें। किसी को एक सुंदर मुस्कान दीजिए किसी को शीतल जल दीजिए उससे भी वो तृप्त हो जाएगा क्या बात है क्या जीवन बात के है? मरुस्थल में आप देखिए मरुस्थल में भागता जाता है भागता जाता है पानी की तलाश में जी, जी. उस समय अगर उसको कोई पानी पिला दे <laughs> एक कहानी थी कि एक ऊँट पे कुछ लोग जा रहे थे तो ऊँट के ऊपर जो चलते हैं राजस्थान में वो अपने साथ हमेशा पानी रखते हैं। जी जी। और वो पानी उनके लिए उस समय स्वर्ण से भी ज्यादा कीमती होता है हुँ. तो वो उसको किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे गंगा जल था रास्ते में एक राहगीर मिला जो प्यासा था बेहाल था जी लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था तो जो संत उस ऊंट के साथ अप चल रहे थे और जिनका पानी उस ऊंट के पास रखा था उस ऊंट का वाहक बोला कि महाराज एक प्यासा व्यक्ति यहाँ घायल अवस्था में पड़ा है तो महाराज का चेला भी था साथ में महाराज ने जल्दी से पानी उतारा उस व्यक्ति को पानी से तृप्त किया तो चेले को बड़ा क्रोध आया उसने कहा हम ये गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे और महाराज जी आपने तो ये इसको ही पिला दिया अब हम गंगा जल कहाँ से दोबारा लाएंगे तब तक तो, तो मुहूर्त भी टल जाएगा स्वामी जी बोले इससे अच्छा मुहूर्त क्या है जो मैंने जीवित व्यक्ति को फिर से प्राण दान दे दिए क्या बात है शिवलिंग के ऊपर चढ़ तो गया मेरा जल शिव की ही तो सब संतान है थी, थी. तो एक संतान को मैंने मृत होने से बचा लिया इससे बड़ा गंगा जल का मेरा उपहार भगवान क्या स्वीकार करेंगे क्या बात है भूता तृप्त तो हो जाएंगे और हम दोनों को ही आशीर्वाद देंगे तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत कुछ होता हम दें छोटा छोटा देना भी जैसे मैंने कहा था बूंद बूंद से सागर बन जाता है एक बूंद तो दीजिए अगर हर एक बूंद सोचे कि मैं नहीं जाती एक मेरी होने से क्या होगा तो सागर भरेगा क्या बहुत खूब बहुत खूब और ये दाता बनने के लिए जैसे आपने कहा स्वयं से मिलन करना चाहिए तो स्वयं से मिलन हम कैसे करें आपने इतनी प्यारी तरीके से समझाया आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी धन्यवाद दोस्तों कवि और उसकी कृति इस कार्यक्रम में आज हमने जाना हम स्वयं से मिलन कैसे करें स्वयं को कैसे आजमाएं तो अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो जानेंगे ऐसे ही एक प्यारी कविता के बारे में तब तक बने रहिए नमस्ते